थैंक्स जीजू, मुझे कभी भी आप पे इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी इज्जत मैंने आपकी कभी नहीं की जो मैं अब करने लगा हूँ। पहले तो मुझे लगा था हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर से शादी कर दी है दीदी की, लेकिन नाउ आई गेट टू नो कि आप जो है इतने बड़े मुँह के हैं, लेकिन बावजूद उसके अपने साले से कितना प्यार करते हैं। और मुझे तो आपने साईं बाबा का रूप ही बता दिया है। इसमें आपने दोनों तरफ के मेरे वोटर्स पक्के कर दिए हैं, मुस्लिम्स भी और हिंदूज भी। आई लव यू जीजू, क्योंकि वो तो दोनों के ही हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। और आपका ऐसा करने से मैं समझ रहा हूं मेरी तारीफ करने का इशारा आपका किस तरफ है, कि भैया तू भी आ जा, मच्छर तू भी आ जा, ले ले मुझे, कि भैया अब आपको और प्रॉपर्टी चाहिए। जीजू, आप हमेशा से मेरी जब भी तारीफ करते हैं, एक दो बार पेपर्स पे साइन कराते हैं और उसके बाद पूरे साल भर के लिए गायब हो जाते हैं। अब जब आपने साईं बाबा बोला है तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे यहाँ होने की वजह से पूरी बुक तैयार है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कन्याकुमारी यहाँ तक की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पे आप मेरे दस्तखत चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जीजू, पैसे के लिए सोनिया बैंक ऑफ इंडिया और हेरल्ड बैंक जो भी था वो तैयार है, और साइन के लिए आपका पप्पू बाबा तैयार है। तो आप जब कभी भी आएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। साईं के दरबार में सबका स्वागत है। और इस दरबार से भैया, जीजू भैया, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है बन के लप्पे कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे राहुल कवाली। क्या बात है! सबसे बड़ी बात यह है जीजू कि मुझे ये लाइन याद रह गई। मुझे ये तक याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, पप्पू हूँ के राहुल हूँ, पर ये लाइनें याद रह गई। कैलकुलेशंस याद नहीं रहती मुझे, लेकिन ये याद रह गया कि मुझे आपको क्या क्या साइन करके भेजना है। तो जीजू घबराइए नहीं, मैं भारत का तो पता नहीं लेकिन सारे रिश्ते जोड़ रहा हूँ, रिश्तेदार जोड़ रहा हूँ, ताकि इकट्ठे होकर इकट्ठा भागे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ। कमिंग जीजू, कमिंग टू योर वे टू साइन दी पेपर्स, साइन। सुरजलो मैं लगता भी हूँ कि आजकल इस लुक पे, हाँ भला हो सभी का, सबसे पहले मेरा। Thank you.